वेलकम टू आवर किचन और मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में मेरा फेवरेट खाना है सरसों का साग ते मक्की की रोटी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपसे सरसों के साग की रेसिपी ही शेयर करूँ। आप लोगों ने पहले कई बार सरसों का साग बनाया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ऑथेंटिक तरीका साग बनाने का। ठीक है, रेसिपी देखने से पहले अगर आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे बने सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूंगी आपको उसका अपडेट इमीडिएटली मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सरसों का साग। यहाँ हमने 1 किलो सरसों का साग लिया है। हमें ध्यान रखना है कि सरसों में कोई भी पीले फूल ना हो। ये देखिए एकदम फ्रेश बढ़िया हमने पत्ते लिए हैं। फिर हमें चाहिए पालक। ये पालक भी एकदम फ्रेश बढ़िया है, और जितना हम सरसों का साग लेंगे उसका आधा पालक लगेगा। अगर सरसों का साग 1 किलो लेंगे तो पालक हम आधी किलो लेंगे। फिर हमारे पास है बथुआ। इससे एकदम साग में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और ये आपकी बॉडी को बहुत गर्मी भी देता है। इसको हम जितना हमने पालक लिया है उसका आधा, तो यहाँ पे हम 250 ग्राम बथुआ लेंगे। अभी हम इनके सबको सारे साग को अच्छे से हम साफ करेंगे और फिर हम अपना साग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे सरसों का साग, जिसको हमने बहुत बारीक काट लिया है और काट के उसको हमने धो लिया है। एक्सेस वाटर हमने निकाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे पालक, इसको भी हमने धोकर एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और ये हमारा बथुआ है जिसको हमने एकदम बारीक काट के रखा है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन जिसको हमने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। 1 चम्मच अदरक, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें, आधी चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाएंगे। अब हम इसको कुकर को बंद करेंगे और इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे। साग उबल चुका है और स्टीम निकल चुकी है, तो हम कुकर खोल के देखते हैं। ये देखिए साग एकदम पक गया है और इसने पानी अलग छोड़ दिया है। हम इसे बहुत अच्छी तरह से मैश करेंगे। कुछ लोग साग को मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन उससे साग का टेस्ट खराब हो जाता है। प्लीज़ साग को मिक्सी में मत पीसिएगा, उसे मैश ही करना चाहिए, उसी से उसमें असली टेस्ट आता है। तो इसमें कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मैश करने के लिए। साग हमारा बहुत अच्छे से मैश हो गया है। तो अब मैं लूंगी, ये मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मक्की का आटा लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ, और हम इसका पेस्ट बनाकर साग में मिक्स करेंगे इसको एक कंसिस्टेंसी देने के लिए। कुछ लोग सूखा मक्की का आटा डायरेक्टली ही साग के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो उससे उसकी डली बन जाती है। तो अच्छा होगा कि हम पहले उसको मक्की के आटे को पानी में अच्छे से घोल लें और उसके बाद ही उसे साग में मिक्स करें। ये बहुत अच्छे से घुल गया है, अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हम साग को ऐसे ही चूल्हे में पकाएंगे और साइड पे अब हम अपने तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। पैन हमारा गरम हो गया है, तो हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आधा चम्मच जीरा, जीरा भुन चुका है तो अब हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन। इनफैक्ट साग में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं थोड़ा और डाल देती हूँ। साथ में मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक, ये भी 1 चम्मच है। और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अब हम डालेंगे प्याज। ये दो प्याज है जिसको हमने एकदम बारीक काट लिया है।
प्याज हमारा भून चुका है, तो यहाँ हमने दो बड़े टमाटर काट के रखे हैं, इनको भी हम मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक, इससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा एकदम भूनकर रेडी हो गया है, तो अब हम साग को इसमें मिलाएंगे। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी हम इसको ऐसे ही 2 मिनट पकाएंगे, और सर्व करने के पहले अभी हम इसमें एक सेकंड तड़का भी देंगे। तो उसके लिए मैं गैस पर रखूंगी एक छोटा सा तड़के के लिए करछी। यहाँ हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि साग में असली टेस्ट तो देसी घी का ही आता है। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, और ये साबुत लाल मिर्ची। तड़का हमारा रेडी है, हम गैस बंद कर देंगे। अब हम साग को सर्व कर लेते हैं। वाव, ये गर्मा गर्म साग, आज तो मजा ही आ रहा है। और ये जो हमने लाल मिर्च का देसी घी का तड़का बनाया है, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस साग को हम सर्व करेंगे मक्की की रोटी के साथ। तो मैं इस सरसों के साग को मक्की की रोटी के साथ ट्राई करने वाली हूँ। यहाँ मेरे पास मूली भी है, गुड़ भी है। सर्दियों में ये सबसे मज़ेदार चीज़ होती है कि आपको बिंदास टेस्टी बढ़िया हेल्दी खाना खाने को मिलता है। वाह, सब कुछ क्या गर्मा गर्म मज़ेदार है। ऑसम। आप नेक्स्ट टाइम जब साग बनाएंगे तो इसी रेसिपी से बनाइएगा, और देखिएगा कि साग कितना टेस्टी बनता है। मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। And for such interesting videos, keep watching my channel. Bye.